सबसे पहली बात है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था में तरह तरह के कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, तो अगर 5% की रफ्तार है तो एक बहुत अच्छी रफ्तार। उसी तरफ सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में दुनिया के, सबसे ज्यादा अशिक्षित हमारे देश में है, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की समस्या हमारे देश में, तो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। एक व्यक्ति 27 मंजिला घर में रहता है और करोड़ों लोग फुटपाथ पे रहते हैं, तो घर बार की समस्या है, तरह तरह की अलग समस्याएं हैं, तो कॉम्पिटिशन हमारे समाज में बहुत है। और आज क्या हुआ है पिछले 3 साल में कि 3 बड़े बड़े झटके लगे हैं अर्थव्यवस्था को, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं शॉक। तो एक नोटबंदी का शॉक रहा, एक GST का शॉक रहा, और तीसरा जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसमें जो क्राइसिस आया 2018 सितंबर से, उसका शॉक रहा। 3 बड़े झटके अर्थव्यवस्था में लगे हैं और इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है हमारे असंगठित क्षेत्र। हमारा असंगठित क्षेत्र जो है उसमें 94% लोग काम करते हैं और 45% उत्पादन वहां पे आता है, और अगर इतने सारे लोगों के काम पे, रोजगार पे असर पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था पे उसका बुरा असर पड़ने वाला है। तो सवाल ये होता है कि इस तरह की नीतियां सरकार ने अपनाई क्यों जहां पे 94% लोगों पे असर पड़े। ये हमारी जो डेमोक्रेसी है दिखाता है कि कितनी कमजोर डेमोक्रेसी, कि जहां पे सरकार ऐसे कदम उठा सकती है जिससे कि 94% जो कामगार हैं उनके ऊपर असर पड़े। तो ये हुआ क्यों है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो आज जो हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो अर्थव्यवस्था में बढ़ने की दर है, सरकार के जो अभी आंकड़े आए लेटेस्ट को बता रहे हैं 5%, और नोटबंदी के समय वो 8.2% से घटके 5%। लेकिन मेरा मानना है वो जो अब ये जो तिमाही आएगी उसमें वो घटके 4.5% से भी कम आएगा। और दूसरी बात, क्योंकि इसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं आते हैं, तो इस समय हमारी रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव है, मतलब कि मंदी नहीं है, ये है रिसेशन। रिसेशन का मतलब कि नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ होगा। तो 5% या 7% या 4% रेट ऑफ ग्रोथ नहीं है, वो नेगेटिव है अगर हम असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को उसमें इंक्लूड करें। होता क्या है कि असंगठित क्षेत्र इतना बड़ा है, वहां पे करोड़ों माइक्रो यूनिट्स हैं, उसका आंकड़ा जो आता है वो सर्वे से आता है हर 5 साल में एक बार। उसके बीच में ये मान लिया जाता है कि असंगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। अब नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र बुरी तरह गिरा, संगठित क्षेत्र बढ़ा, तो अब हम ये नहीं मान सकते कि असंगठित क्षेत्र भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो ऑल्टरनेट आंकड़े क्या है, जैसे कि लोगों ने शहरों से प्लान किया गाँव में, उनके पास काम नहीं था, तो MGNRE की है जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें डिमांड बेतहाशा बढ़ी। 3 महीने के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त डिमांड आई, तो सरकार ने प्रावधान रखा 38,000 करोड़ का, खर्च हुआ 47,000 करोड़ रुपए। अगले साल सरकार ने प्रावधान रखा 48,000 करोड़ रुपए का, खर्च हुआ 60,000 करोड़ रुपए। और फिर भी RBI ने कहा कि लोगों को सिर्फ 45 दिन का काम मिला, 100 दिन का काम नहीं मिला, यानी कि अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए भी होता तो वो पर्याप्त नहीं पड़ता। तो मेरा मानना है कि लोग जो पलायन कर रहे हैं शहर से गाँव में, वो वापस नहीं आ पाए। दूसरा, नोटबंदी के दौरान जो इन्वेस्टमेंट वो आधा हो गया, और अभी भी जो CMI के आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि इस समय भी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल पहले के मुताबिक 10वां हिस्सा रह गया, यानी इन्वेस्टमेंट गिर गया, प्रोडक्शन गिर गया, रोजगार गिर गया। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था नोटबंदी के समय से ही रिसेशन में आ गई। तो ये जो रिसेशन है उसी का असर है कि आज जो संगठित क्षेत्र है उसकी भी अर्थव्यवस्था गिर रही है। पहले असंगठित क्षेत्र की गिरी, वहां से असर पड़ा संगठित क्षेत्र में, और संगठित क्षेत्र की भी अर्थव्यवस्था गिर रही है। इसीलिए जो आंकड़ा 8% का था 6 माह पहले, वो आज गिर के 4-4.5% के आसपास पहुंच गया है। तो मेरा मानना है कि ये जो समस्या है इसका मतलब है कि रेट ऑफ ग्रोथ 5% कतई नहीं हो सकता। अगर 5% रेट ऑफ ग्रोथ होती तो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी जो आगे आए हैं कंजम्पशन गिर रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो अगर 5% की रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है,
तो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए था, दोनों ही नहीं बढ़ रहे। तो ये कंसिस्टेंट है नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ से 5%। तो सबसे पहली बात तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि जब रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी तो रोजगार कैसा होगा। और आज इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं, चाहे सीएमआईडी के आंकड़े देखें, चाहे एनएसएसओ के आंकड़े देखें, वो दिखाते हैं कि रोजगार उतना नहीं बन रहा है जितना कि आज जो यूथ है वो मार्केट में डिमांड कर रहा है। इसीलिए यूथ में प्रोटेस्ट बढ़ रहा है पिछले 3 साल से। आप देखें तो जो सबसे समृद्ध जो तबका है गुजरात का पटेल, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मराठा जो महाराष्ट्र के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाट जो नॉर्थ इंडिया के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि रिजर्वेशन में समाधान नहीं है रोजगार, लेकिन ये दिखाता है कि सब समस्या कितनी भयंकर है। उत्तर प्रदेश में 2015 में जब 360 नौकरियां निकली प्योर की, तो उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 380 पीएचडी, 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम। तो ये दिखाता है कि जो यूथ है वो पीएचडी नहीं करके फिर कोशिश में है कि उसको प्योर की नौकरी मिल जाए। तो ये जो बाजारीकरण है, इससे जो हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है वो और हाशिए पे चला जाता है, क्योंकि वो बाजारीकरण से डील नहीं कर पाता और अब उसको ठीक डील करना है, क्योंकि अब वो कलेक्टिविटी उससे डील नहीं करेगी। तो ये मास्टराइजेशन जो हाशिए पे खड़ा व्यक्ति और हाशिए पे चलता है, उसमें असर है टेक्नोलॉजी का, उसमें इनलीगैलिटी और काले धन का असर, उसमें फाइनेंशियलाइजेशन का असर है, उसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल और लॉस ऑफ पॉलिसी कंट्रोल का असर है, उसमें टॉप डाउन अप्रोच जो हमने अपनाई उसका असर है, और सबसे ज्यादा जो बाजारीकरण से जो फिलोसॉफिकल चेंज समझ आया किसका है। तो ये 5-6 चीजें हैं जिन्होंने आज हमारी सोच बिल्कुल बदल दी। तो सबसे पहले अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें तो आज टेक्नोलॉजी को कहा जाता है कि द बिगेस्ट डिस्ट्रप्टर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर चीज में बदलाव। मतलब अगर आप देखें तो 20 साल पहले कहां मोबाइल फोन थे, कहां ई कॉमर्स था, कहां ई बैंकिंग था, ये सब था ही नहीं। 20 साल में जिस तरह से हो रहा है एकदम से बदल गया। तो इसीलिए एरो जो सेकंड नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द मिस ऑफ द फ्यूचर, आगे दिखता नहीं क्या होने वाला है, तो हम सब शॉर्ट टर्म में चलाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के चलते हुए रोजगार पे असर है और समाज शॉर्ट टर्म में सोच रहा है। आज हम आज की बात सोच रहे हैं, आगे आने वाले समय की बात नहीं सोच रहे, क्योंकि अगर आगे दिख ही नहीं रहा है तो उसके बाद हम सोचेंगे किस प्रकार से। ये दो चीजें बहुत अहम है जो टेक्नोलॉजी ने किया कि हमारी मानसिकता बदल गई हर तरह से। जैसे कि आज ड्राइवरलेस कार की बात चल रही है, तो करोड़ों जो ड्राइवर है उनकी नौकरी चली जाएगी, वो चाहे कार चलाते हो, ट्रक चलाते हो, और उसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मैंने 3 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसने कहा कि अगर कीमोथेरेपी करानी है तो कंप्यूटर ज्यादा अच्छा बताएगा और इस पर डॉक्टर नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ 1000 आर्टिकल पढ़ लेगा अपनी जिंदगी में, लेकिन कंप्यूटर 1 लाख आर्टिकल को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो कंप्यूटर बताएगा। तो आज जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इनका भी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने में सक्षम है। तो ये यही नहीं कि लोअर लेवल के कॉल सेंटर, BPO, इनके जॉब तो जाएंगे अगले 5 साल में, लेकिन अगले 10-15 साल में जो एक्सपर्ट हैं उनके भी नौकरियां, उनके भी काम बहुत बड़े लेवल पे खत्म हो जाएंगे। तो ये जो डिस्ट्रप्शन है वो एम्प्लॉयमेंट में तो है, लेकिन हमारी मानसिकता में भी है कि आज हम शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं और शॉर्ट टर्म हम सोच रहे हैं और आगे का नहीं सोच रहे। दूसरा, मैंने कहा कि काले धन की अर्थव्यवस्था, इससे क्या हुआ है कि जो हमारी जो इनलीगैलिटी है समाज में, गैर कानूनी काम करने की प्रक्रिया, वो बेहतर है और वो 3% लोगों में केंद्रित है। और आज काले धन की अर्थव्यवस्था 62% आमदनी जनरेट करती है, यानी 3% के पास 62% अतिरिक्त आमदनी है। तो अगर आप व्हाइट इकोनॉमी को अकेले देखें तो जैसे कि अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया कि 9 व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है जितनी कि 70 करोड़ लोगों के पास है, और 1% को उतनी वेल्थ है जितनी कि 50% लोगों के पास है। और अगर काले धन की अर्थव्यवस्था जोड़ें तो 1% के पास 70% है। तो आज जो जो वेल्थ है उसका जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और इनकम का, वो बेतहाशा बढ़ा है काले धन की अर्थव्यवस्था से, गैर कानूनी काम करके। और ये गैर कानूनी काम से असर क्या होता है कि इसको मैंने बताया है अपनी किताबों में कि इट इज लाइक डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स।
मतलब गड्ढा खोदिए और अपना गड्ढा भर दीजिए। तो ये दिन में एक व्यक्ति को लगा दिया गड्ढा खोदने में, रात में दूसरे व्यक्ति को लगा दिया गड्ढा भरने में, तो अगले दिन जीरो आउटपुट लेकिन दो आमदनी। तो मैं इसको कहता हूँ एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी। तो आपने सड़क बनाई, उसमें कोल्टा ठीक नहीं डाला, बारिश आई वो बह गई, तो आप सड़क को ही दोबारा रिपेयर करते रहेंगे ना कि नई सड़क बनाएंगे। और जब वो पॉटवर्ड सड़क है तो उस पर गाड़ियां फंसेंगी, लोग मरेंगे, तो आपके लिए एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से मैंने दिखाया है कि देश की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 5% कम हो गई है 70 के दशक से। तो 70 के दशक में जब हमारी इनकम ग्रोथ 3% थी तो 8% हो सकती थी, और पिछले 10 साल में जब 7% रेट ऑफ ग्रोथ है तो 12% हो सकती थी। तो अगर ये 5% रेट ऑफ ग्रोथ आप 1975 से जोड़ लें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 8 गुना बड़ी होगी। यानी आज हम अमरीका से बड़े होते, $2.5 trillion की जगह हमारी अर्थव्यवस्था $20 trillion की जो अमेरिका से बड़ी है, और हमारी प्रति व्यक्ति आय जो इस समय $1700 है वो $14,000 के करीब हो। तो हम अमीर कंपनियों देशों की कतार में होते न कि गरीब से 30 देशों की कतार। तो ये काले धन की अर्थव्यवस्था है, इसके चलते हुए जो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है वो और हाशिए पर चला जाता है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, तो शिक्षा में प्रावधान वो आ जाता है, उसके स्वास्थ्य में परेशानी आ जाती है वगैरह। तो ये जो है इससे जबरदस्त इलिमिनेशन समाज में।